ये जो तालाब है दरिया था कभी, हाय पेट्रोल भी सस्ता था कभी, वो हुकूमत में आके बेबस है जो हुकूमत पे बरसता था कभी। कोई पेश नहीं चल रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखते हैं आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सुनाएं क्या हाल है सर? हम तो बिल्कुल ठीक है, आज तो माशाल्लाह सपेरे लग रहे हैं। इस तरह से सपेरे उन्होंने सप ना ना लबे ते बीन ना बिल्ली मस्त करने लग पेंदे ने। सर अन्ने बंदे को मार खा ली, ओनू कह रहे को मकान नजर चो वे वेखी यार। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर और साथ ही साथ चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी भी हैं, जनाब इंजीनियर फहीम अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर मरियम चौधरी। Welcome to the show जी, माशाल्लाह आज तो दोनों मेहमान एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत। हाय 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 हाय। और शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूँ सर। अच्छा जी इरशाद। दुनिया टीवी हर हफ्ते की पीर मंगल और बुध की रात। हाय हाय हाय। दुनिया टीवी हर हफ्ते की पीर मंगल और बुध की रात हंसी मजाक में मिलवाता है रंग बिरंगा पाकिस्तान। आज की रात के मेहमान देखें, एक जट्टी और एक पठान। क्या बात है, हसे मंडदा रोया वा, हसे मंडदा रोया वा, चलदा फिरदा मोया वा, एक रोटी दी खातर लई बुरकी बुरकी होया वा। मुझे देख के हर वक्त आहें भरना, भरना। वाह। मेरे कहने पे जीना, मेरे कहने पे मरना। आज उस बेवफा का फोन आया तो दिल टूट गया कैसर, कहती कल मेरी शादी है भाई अब मुझे फोन ना करना। क्या बात। आपको कभी ऐसा फोन आया? जी बहुत आए ऐसा। तो वो यही होता था आखिर में कि भाई अब फोन मत करना। जी जी जी। ये कब, कॉलेज के जमाने की बात है या उसके बाद? नहीं कल दी गाली से, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद और अभी तक। अभी तक यही हो रहा है? जी जी। कोई तब्दीली नहीं आई? जी नहीं जी। इधर भी नहीं। ये क्या बात हुई, मरियम ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पहले हम लोगों को उम्मीद थी कुछ ना कुछ होगा, तब्दीली आ गई है। फोन की बात कर रहा हूं। नहीं मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आपने बोला कि इधर भी तब्दीली नहीं आई तो उसका मैं जवाब नहीं, मगर आप इधर भी वाली को छोड़ रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि मेरी एज में चेंज ही नहीं आ रही है। हां बिल्कुल, उस वजह से हो। लेकिन चेंज नहीं आ रही तो बेहतरी भी नहीं आ रही। क्यों नहीं बेहतरी? आप अगर बेहतरी आ रही होती तो फिर फोन पे ये जुमला ना सुनने को मिल रहा होता। कुछ लोग होते हैं ज्यादा मतलब रोमानियत उसमें उनमें होती है, रोमांटिक होते हैं, ये चीज मुझ में भी ज्यादा है। अच्छा हाँ। तो कैसे, ये क्या शायरी वगैरह पसंद है, मौसीकी पसंद है? रोमानियत के साथ तो मौसीकी और ये सारी चीजें बंदी होती है जी। कितना अरसा हो गया शादी को? 14 इयर्स हो गया। अच्छा 14 साल। कपड़े आज भी विलीमे वाले पाए जो? अरे यार वो तो तुम्हारे लिए तैयार होकर आए, आज खान साहब वाली चप्पल निकाली है उन्होंने, है ना? जी जी सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको पता था कि साथ आपके कौन है मेहमान? जी। अच्छा आप लोग सब पहले पता करा लेते हैं। मरियम का ड्रामा कभी आपने देखा? वो ड्रामे में अक्सर इसलिए मैं नहीं देखता, घर में अपनी बीवी को भी कहता रहता हूँ कि ये ड्रामे ना देखें, उसमें जो भी मतलब विलन होता है या कोई हीरो होता है
अगर उसमें कोई मतलब कोई औरत पे कोई जुल्म कर रहा होता है तो वो कहती है ये आप हो और ये मैं हूँ। अच्छा, ये यानी कि ये मसला भी चलता है कि जो ड्रामा चल रहा है वो आप हैं और वो अच्छा मतलब ये ड्रामों में ये जो है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, कहना नहीं चाहिए, मतलब मुआशरे की इस्लाह हो जिसमें ऐसे ड्रामे बनाने चाहिए, कोई अच्छे पहलू हो हमारे हमारे कल्चर के, हमारे मतलब मुल्क के, तो ये सारा दिन ये सास बहू की लड़ाई दिखा रहे होते हैं और फिर वो वहाँ हमारे घर में लड़ रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो सबसे बड़ा ड्रामा हमारी पॉलिटिशियन सबसे बड़ा ड्रामा तो यही है। एक्चुअली में ड्रामे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें रियलिटी बताते हैं जो कि हमारे नॉर्मली माशरे में चल रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें वो एक्सपोज करते हैं। आपका गलत मतलब है कि उसमें नेगेटिविटी होती है, दोनों चीजें होती हैं। फिल्म वगैरह होते हैं या ड्रामे होते हैं मुआशरे की अक्कास होते हैं, ठीक है, तो उस नेगेटिविटी को चेंज करने के लिए कोई ड्रामे बनाए ना, ज़ाहिर गलत चीज की आपने प्रचार करनी है, ये कोई मतलब अच्छी बात है? मुताबिक अर्तुगरुल बार बार देखी जाइए। ये देखिए ना, अब उसने मिसाल दी है। मरियम, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये आप जो बात कर रहे हैं कि ड्रामे में चेंजिंग लाएं, ये करें, पहले आप मुल्क में तो चेंजिंग लाएं ना, तो ड्रामे में भी ले आएंगे हम लोग। मरियम, मुझे ये बताएं, आप वोट कास्ट करती हैं? नहीं, नहीं किया अभी, उम्र नहीं हुई। क्यों नहीं किया आपने? आपके तो इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज लग रहे हैं मुझे। आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ तो किसका इंतजार कर रही है, बनवा लें? बस वैसे ही जब नई हुकूमत आएगी बनवा लूंगी। अच्छा, यानी कि आपने इस हुकूमत में आईडी कार्ड ही नहीं बनवाना? नहीं बनवाना। ये फहीम साहब, ये तो एक मुख्तलिफ किस्म का प्रोटेस्ट है। ये मैंने आज तक नहीं सुना था कि मैं इस हुकूमत में आईडी कार्ड नहीं बनवाऊंगी। अक्सर ये फीमेल में एज का इशू होता है ना, छुपा नहीं, मगर ये तो एक और यूनिक किस्म का। ये लेट इसलिए बनवाना चाहती है, ये जब 35 की हो जाएगी तो उधर एज इसने 18 लिख देना है। मगर आप क्या ऐसा कुछ वेट कर रही हैं कि अपनी एज के लिए कर रही हैं या वैसे सिर्फ एज अ प्रोटेस्ट ही करना चाह रही हैं आप? आपने वोट की बात की थी तो मैं पहले भी कहती हूँ कि मुझे नहीं देना वोट। वोट नहीं देना, मेरी मर्जी। अच्छा, अब ये बात यहाँ पे देखें ना, जो लोग ज्यादा मतलब तनकीद करते रहते हैं ना, वो अक्सर दूसरों पे ब्लेम लगाएंगे, आपकी वजह से मैं नाकाम हो गया, आपकी वजह से मैं नाकाम हो गया। ठीक है, ये अभी इसके जिम्मे जो काम है, ये देखो आप वो फरीजा तो पूरा करें ना कि आई डी कार्ड बनवा के जो ये आपका अल्लाह ने आपको हक दिया है वोट डालने का, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि चले, मुझे तो आप कह रहे हैं कि मैंने वोट नहीं दिया, मेरी पूरी फैमिली ने वोट दिया था, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? एक लफ्ज आप नोट करें, हमें क्या फायदा हुआ? ये जो पॉलिटिक्स होती आ रही है, रिवायती पॉलिटिक्स, टिपिकल पॉलिटिक्स, इसमें ये आप देखें ना, एक खास हमारे जो वर्कर है, देखें हर पार्टी जो आती है वो चाहती है कि मतलब मैं मुल्क में चेंज ले आऊं, इंसाफ ले आऊं, मेरिटोक्रेसी लाऊं, ठीक है, लेकिन नाकामी कहाँ पे होती है इनको? ये जो बाकी पार्टियां ये चाहते हैं कि मेरे साथ आप मेरिटोक्रेसी ना करें, मेरे वर्कर को भी जाने दें, मेरे उसको भी जाने दें, मेरे पीए को भी जाने दें, मेरे वजीर को भी कुछ ना कहे, उसको भी ना पकड़े, हाँ बाकी आवाम के साथ इंसाफ करें। तो ये नहीं होगा इस तरह, तो फिर ऐसा मुआशरा गिरने लगता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी ज़ाती फ़ायदे की बजाय अगर आप देखें कि पीटीआई ने ओवरऑल किसी को पाकिस्तान के लिए क्या किया है, फॉरेन लेवल पे क्या किया है, जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो तो बिल्कुल डेड पड़ी थी अभी 40 साल ना करें, बीच में 8-9 साल जो थे वो मुशर्रफ साहब के भी थे, अभी फंस जाएंगे आप। लेकिन फिर भी वो तो बीच में डेडलॉक आ गया था ना, तो अब देखे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे जब से पीटीआई की हुकूमत आई है कि आपका मुल्क करप्शन में कितने से कितने नंबर पे आ गया है। हमारा जो केस था उधर, उसमें आप देखे ना, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। अच्छा, मैं आपको विंड मिल की, जो विंड मिल के साथ इन्होंने कराची में मुआहदा किया था, पता है, जान बूझ के 22 रुपये पर यूनिट मुआहदा किया था, और अभी जो खान ने मुआहदा किया है वो 6 रुपये है, फ़र्क कितना है। और टाइम का गैप देखो कि इतने साल पहले उन्होंने ये मुआहदा किया था। तो अगर आप देखें ना कि अपने फ़ायदे की बजाय अगर आप देखें कि पीटीआई ने ओवरऑल क्या किया है, उनको आपका वह था कि हमें क्या मिला। हाँ। वो जो उन्होंने पूरी बात की उसका लुबे लुबाव ये है। हाँ। कि हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि हमें कौम को क्या मिला। हाँ। ठीक मैं है? यही बोल रही हूँ इनको कि मैं ये नहीं कह रही कि मुझे क्या मिला। हाँ। मेरी तो लाइफ पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पब्लिक आपके ख्याल में पीटीआई हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर, ठीक है, मगर मुझे एक बात बताइए,
आप अपना आईडी कार्ड तो बनवा लें। वो भाई जी वैसे आपको क्या कहीं पे कुछ काम, मतलब आप कभी ट्रैवल कर रही हो तो आप क्या बेफॉर्म दिखा के जहाज पे चढ़ती हैं? बस वो आप वो मैं कर लूंगी उसका, लेकिन बात इनकी मैं कर रही हूँ कि ये हर चीज को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना वो बड़ा गलत है। एटलीस्ट कुछ करके देखें। वो कैसे बता रही हैं आपको कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं, एटलीस्ट आपकी फैमिली ने क्या नून लीग को वोट डाला था? पीपल्स पार्टी पीटीआई को बड़े एक्साइटेड थे। नया पाकिस्तान, मेरी छोटी बहन है एंड शी वाज लाइक मैं तुम नवाज शरीफ, ऐसे लड़े हैं आपस में, इतने एक्साइटेड थे। और अब आके तीन कितने साल हो गए हैं? तीन साल हुए हैं। कुछ भी मुझे चेंज नजर नहीं आया। ऐसे भाई इनकी बात है, आपके वोटर डिसग्रंटल वोटर निकला है। वैसे भाई मैंने पहले भी कहा था हमारी परफॉर्मेंस का जो पैमाना है वो 2023 के इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, उसमें पता लग जाएगा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमने कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया लोगों के लिए और लोगों की अनसर्टेनिटीज के लिए कुछ नहीं किया तो बेशक वोट ना दे। How you doing, bro? Good, how are you? You know, I am really very happy today. You are? Yeah, I got a big contract from government of Pakistan. Mainu unhone invite kita. Unhone kiya ki assi million tree la rahe hain tsunami de vich. Main kya million tree matlab lakhan karoda darakht salab vich bane ne. Kehnde nahi laane ne. Main kya ida ki fayda hoega. Kehnde ne mausmi taghayyurat mein pabji li aayegi. Oxygen zyada paida hogi to pheferon ki bimariyon mein kami hogi. Garmi ki shiddat mein kami hogi aur bachchon mein bimariyan kam phailengi. Te main kya main kive karan? Kehnde ne ek plot laake na vadda sara ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਿਖਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ, ਜੰਨਤ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਹਰ ਬੂਟੇ ਚੋਂ ਹਰ ਗਮਲੇ ਚੋਂ 77 ਰੁਪਈਏ ਬਚਦੇ ਨੇ, 77 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਹੈਡ। ਓਕੇ, ਤੇ 20,000 ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 30,000 ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ 5,000 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 20,000 ਦੇਣਾ, 20,000 ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਟ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈਆ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਔਨ ਸੇ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਔਨ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਪਾਰਟਨਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇ। ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ। ਆਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਸਰ। Oh, this guy is a good guy. Really? Yes, I remember that last time when I was here. Ha. Inne mainu bada hi pyar kita si. Achha. This is a good guy. Kehdi class ch padde ne? Class mere padde hai. MP hai. Young generation de vich jadon ਵਜ਼ੀਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ? ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਜੂਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
पाकिस्तान, आई लव इमरान खान, आई लव शाह महमूद कुरैशी। बाहर भी जाके 5000 रुपए दिता सी। अच्छा ते हुण ते कुछ अगों कह ही नहीं रहे भी हां प्रॉमिस ही कर लेना। सिंगर वेख लो, सिंगर वेख लो, तुसी पहले पहले तुसी अपना मिनिस्टर वेख लो। मिनिस्टर नहीं है वो, नहीं है वो, ओए बड़ी गल है। जमा करो, कल को वीडियो बनाई होगी कि फहीम साहब रिश्वत ले। अच्छा बात सुने, आप ऐसे डर रहे हैं, वीडियो वाले फहीम दूसरे थे। गाना पेश करना है ओ टांगे लौड़ी दा होवे ते पावे चल जा, टांगे वाला खैर मांग जा, ओ टांगे वाला खैर मांग जा, पावे लौड़ दा होवे ते पावे चल जा। तू पैर उते पाते सही, तू पैर उते पाते सही, दिल तोड़ेगा ते दे देंगे जा, ओ टांगे वाला खैर मांग जा, ओ टांगे वाला खैर। नहीं वैसे बहुत प्यारी है मरियम, है ना, अच्छी भी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। लेकिन अब सिंगल क्यों, मुझे इस बात की समझ नहीं आई आज तक। आज तक कोई फैन ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि आप अच्छी लगती हैं तो आपके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इन बातों में अभी इंटरेस्ट नहीं लेती। चलो 6 महीने बाद आ जाना, फ्यूचर पर भी फोकस करना है ना। लेकिन एक होता ना आइडियल भी तो होता ना, चलो बंदा हौसला दे हो जाता ना बंदे तो कैसा होना चाहिए। मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, इसने वो मूवी देखी है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट, उसमें कहते हैं अगर जहन में कोई आप इरादा कर लेना वो चीज़ सामने आ जाती है, तो उससे भी ये डरती है। तो जो आपने इरादा किया था वो सामने क्यों नहीं आ रही चीज़। ये आप तो शादीशुदा 14 साल हो गए शादी को, वो भी सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ, तो थोड़ी सी बात में हो जाए तो अच्छी बात है ना। फैन भी हूँ मैं आपका। कैसा होना चाहिए, कैसा इंसान हो? मेरी माँ बोलती है कि हमेशा ये दुआ करो कि नसीब अच्छा होना चाहिए। मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कैसा होना चाहिए। आपने कुछ सोचा नहीं हुआ तो फिर तो आपको जैसा भी मिल जाएगा। आप नहीं जैसा भी मिल जाए तो कैसा होना चाहिए। बात ये है कि लेट सपोज 4 लोग हैं, अब हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है, अब डिपेंड करता है कि मेरा दिल किस पे आता है। वही ना, किस पे आएगा, किस ये 4 लोग का मालिक हो तो आपका दिल आएगा। 1, 2, 3 वैसे भी 3 का इंसान के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे आप हैं, चौथा मैं, 5 वो, सबको गिनवा रहे, मुझे भी गिनवाए ना। वो कह रहे हैं 4 में आपने इनको क्यों नहीं गिनवाया। क्या बात है, बोलो कि सोचो तुसी अपना सोची जा रहे हैं यार। आप देख के ज्यादती तो है ना, वो माइंड किया है फहीम। फहीम भाई जैसे आप मसलन प्यारा जाए, मुझे तो प्यारे लग रहे थे। नहीं ऐसा ना सोचो फहीम भाई, आप बाहर अच्छे नहीं थे। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो जिक्र किया, एक थॉट प्रोसेस भी और किताब भी है इस पे जो सीक्रेट जी का आपने जिक्र किया, तो आप पढ़ चुके हुए हैं ये सारी? जी जी जी। और आपका बिलीफ है इस चीज के ऊपर? क्यों नहीं जी, ये तो जिस तरह हमारी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये देखो चीजें जो अगर आप एक चीज को नोट कर दे, ये जितनी भी डिस्कवरीज हो रही है साइंटिफिक, मतलब जो चीजें डिस्कवर हो रही है और जो ईजाद हो रही है, तो अब देखिए ना ये 1400 साल के बाद से, मतलब वो कुरान के नजूल के बाद से ये चीजें हो रही है। एक हरकत भी अगर हम करते हैं ना, तो एनर्जी जो ला है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हाथ मैंने हिला दिया, ये पैटर्न क्रिएट हो गया फिजा में, मतलब इस माहौल में। तो जिस तरह हम रेडियो पे इनकोड करते हैं FM 104, 106, तो इसी तरह हर एक बंदे का एक इनकोडर हो सकता है जिसमें ये सारे वेव्स उसके इनकोड हो जाए, तो हर एक हरकत अल्लाह कयामत के दिन ले आएगा, ये भी उसी तरह का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि आप माशाल्लाह आपको बड़ा नॉलेज है, तो आप जो हमें समझा रहे हैं इमरान खान को थोड़ा समझा लें। लंदन तू अरे यार ना 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 ना
बड़े मियां साहब को नहीं। अच्छा बकिंगम पैलेस मैडम मलका मेरी फुफो तो मैंने कहते ने दुख सुख मैं पो लेना आ जावे डो लेना ए मैंने उन्होंने व्हाट्सएप किया वॉइस नोट में ये गाना गाया वॉइस नोट में क्या है लेकिन पिछू मैंने वो दुष्कारे सुनाई दे रहे सन ऐसा भी आवाज आ रही है फिर मेरे को रहा नहीं गया कटे हेलीकॉप्टर सीधा पी जाके बकिंगम पैलेस की छत खिला रहे हैं खामोश बिलकुल मैं कहने शुक्र है तू आ गया मेरा दिल हल्का हो गया मैं की हाल है कहने ने ओ हाल है जरा हर 20 साल बाद पाकिस्तान की जमहूरियत नाल हुंदा मैं क्या वो तो हूँ हर 5 साल बाद हुंदा है बल्कि कभी कभी तो 5 साल तो भी घट जाते हैं कहते ने ओपरा का शो वेखे ही ओपरा का मैं क्या वेखे बड़ा ओपरा ओपरा जो लगे कहती है मैं कहने मैनू नाल वाले पैलेस वाले ने मुंह बखान जोगा नहीं छड़े अच्छा कहती है तंग मैनू फिलिप ने भी बड़ा किया अच्छा तंग मैनू चार्लस ने भी बड़ा किया तंग मैनू डियाना ने भी बड़ा किया लेकिन इना तंग नहीं किया उत्तों कहंदे ने ओ सूए वाला आला सूए मैं कह विलियम कहंदे ने ओदा सिर ते अकरम उदास वर्ग है सूए वाला आला हैरी हैरी ओने ते कहंदी मेरी जड़ा ही पुट दितियां हाय हाय कहंदी ए मेघना ते दुनिया दी अजीब नो साबित होई ए मेरा पोतरा लेके ते अमेरिका टुर गई ओनु कहंदी ए एक्टिंग दा जुनून हो गया हाय कहंदी मैं एक दिन मेघना नु बुला के ओनू मैं कहया कि जे तेनु एक्टिंग दा एडा ही जुनून है ते मैं तेनु चैनल खोल देनी है अच्छा अगो मैंने कह दी है मैं पूरी दुनिया ते तेरे चैनल खोलांगी बड़े हल्के हल्के रोन लग पए मैंने बड़ा ही दुख होया ते मैं कहा मैडम हुण मैं तुहाडी की खिदमत कर सकना कहंदी है इमरान खान साहब किहदा दोस्त है मैं कह किदा अगो मैंने कहंदे ने मैं तेरे को पूछ रही हूं तू मेरे को मैं कह फोर्स मेरा कहंदे ने इमरान खान साहब नु जाके रिक्वेस्ट कर के मैनु एक महीने वास्ते शबाज गिल और फिरदौस आशिक अवान दे दे मैं कह ऊ क्यों कहंदी है मेरे ते ना ये रेसिस दे इल्जाम ला रही है ओ ते काले नु ते गोरे नु मेरे खिलाफ कर रही है अच्छा शबाज गिल साहब फिरदौस आशिक अवान साहब ए आके मेरे ते इल्जाम हटान लेकिन शबाज करे उनको आके यस कहंदे ने मैं मेनू डिफेंड करन शबाज गिल साहब और फिरदौस आशिक अवान साहब ठीक है कहंदे ने एक महीना कम करन 6 महीने दी सैलरी देंगे ओए होए होए मैं कह नहीं 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 ये घटेगा उथे ज्यादा दिहाड़ी ला लेंगे हल्के जो मुस्कुराए ने अच्छा उस तो बाद कहती है ऐसी गल नहीं हैगी मैं शबाज गिल नू 6 कार्टन दे सूट ते एक पिछौरी चप्पल भी लै दे आया अच्छा मैं कह चलो ठीक है मैं जाके गल करना ओ मैं ऐ करके जान लगा ते पिछू फिर दुस्कारियां दी आवाज आ रही है खबर तो डर मेनू इस उम्र च खबर तो डर किस टाइम केड़ी खबर आ जाए फिर मैं चलिया इमरान खान साहब वाल मैं क्या एक बार तुहानू मिल के ना तो कोई ऐसा बंदा जो उन्होंने करीबी दोस्त हो मशवरा कर लिया यार मैं अभी बात आपसे बाद में करूंगा मेरे अपने पास एक मेहमान बैठे हैं तो अमीन फहीम साहब नहीं है सर अमीन फहीम साहब तो बाद अगर मैं किसी की अकलो फरासत का फैन होया मैं तुहाडा होया अच्छा सर कमाल आदमी हो तुसी और फहीम साहब भी इंटरनेशनल मैन होए इंटरनेशनल सर एबटाबाद दे विच जदों इंजीनियरिंग पढ़ते सन कौन फूड पहुंचाउंदा सी कौन मैं तुहानूं पुछ रहा तुसी मैनूं पुछ रहे ऑफ कोर्स माय बेस्ट फ्रेंड अफेयर दे विच जदों मिनिस्टर रहे ने अफेयर नहीं मिनिस्टर रहे उत्थे जिन्ने अफेयर चले ने मैनूं पता सी अपनी जेब चाह मंगाईए बिस्कुट मंगाए ने लेकिन चुक ले ने नहीं ऐ लो कढ़ाई गोश्त लेके आओ बर्गर दे के कहंदे कैचअप आप ले आना क्या बात और ओ मेरी बाजी
सर मेरी बाजी ऐसा ड्रामा किया इन्होंने अच्छा कि मैं मन गया मैं लो जी ये वड्डे होके सियासतदान ही बनन क्यों भाई ऐसा कमाल रोल किया यार बड़ी समझ नहीं आया अरे सियासतदान की गल समझ तो नहीं आती तो मैडम ने भी माशाल्लाह इधर दी वखा के इधर दी मारी अच्छा मैं फैन हो गया है कौन ने तेरी मॉडल नहीं है के मां चलो फहीम साहब सब खैरन है आज भी चेहरे पे देखो मुस्कुराहट है ना किते कहां पे इमरान खान साहब ने छड़ी नहीं बाकी कमाल आदमी है सर एक फोटो हो जावे ताजा उनके बाकी रह गए ना दो साल यार मैडम तो मेरे तो भी सोने ने अच्छा क्या बात सोचो फिर किन्ने को सोने होने वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो 2020 का आगाज करते हैं ठीक है ये बताएं सर चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट है जी उसके अंदर बैठे हुए हैं आप जिसको साथ लेके जाएंगे वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा चांद से आप वापस आ जाएंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुश्ताक गनी और जनाब तैमूर झगड़ा ये किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मेरे लिए मसले खड़े कर रहे हो आपसे पहले भी सारों के लिए किए चाहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे चले चले ओए होए जनरल नॉलेज पे आ गए हैं जी पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है दरिया नलका सबसे छोटा दरिया जी सर छोटे छोटे दरिया तो बहुत है पता नहीं इसमें कौन सा लिखा ये जो मैं तो अपना वो हमारे घर के आगे जो दरिया है दरिया बाड़ा सबसे छोटा है भाईजान जो पांच दरिया हैं उनमें से एक जो छोटा हाँ, अच्छा। उनमें सबसे छोटा दरिया कौन सा पांच आप में से रवि तुक्का सही लग गया पता था इसका थोड़ा थोड़ा ठीक है ये बताएं फिर सर लिफ्ट में एंटर हुए हैं तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लेंगे एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक जनाब महमूद खान और जनाब शाह महमूद कुरैशी तो बताइए सेल्फी किसके साथ होगी परवेज खटक साहब ठीक है स्माइल किनको दे रहे हैं शाह महमूद कुरैशी और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया महमूद खान को महमूद खान साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ है अभी टाइटैनिक पर जा रहे हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं जी जी। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मरियम चौधरी उसको मैं क्यों लेके जाऊंगा इसी को लेके जाऊंगा इसको क्यों लेके जाएंगे टाइटैनिक पे लोग क्यों जाते हैं वो तो वहाँ पे मतलब शेयर करने जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं नहीं मगर मरियम आपका उन्होंने इंतखाब के देखे अपनी पार्टी की उन्होंने लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ अच्छा आप कुछ नहीं उनकी विश है मेरी तो नहीं है चले ये भी सही है डूबती कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट हैं एक अपनी है दूसरी देकर किसी की जान बचानी है दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और मरियम चौधरी ये मुझे बिल्कुल नहीं बचाएंगे फयाजुल हसन चौहान को बचाऊंगा फयाजुल हसन चौहान को आपने पहले ही उम्मीद का दामन छोड़ दिया था वो पब्लिक राइट में वो इससे आगे अच्छा ठीक है जी मरियम आप बताएं आप चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट किसी को लेके जा सकती हैं जिसको लेके जाएंगी वो शख्स चांद से वापस नहीं आएगा किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ बुज़दार साहब का इंतखाब किया इन्होंने बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं किसको साथ लेके जाना चाहेंगी अपने वीआईपी पास पर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब इंजीनियर फहीम साहब बिलावल भुट्टो डूबती कश्ती में आप भी दो लाइफ जैकेट हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल वाडा जनाब फवाद चौधरी और इंजीनियर फहीम साहब इनको तो मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगी इन्होंने अपना ही लेक्चर दे दे के ना वक्त जाया कर देना ठीक है तो आप किसको बचाना चाहेंगी वो फर्स्ट वाला नाम तो मुझे पता ही नहीं है कभी सुना ही नहीं ठीक है ठीक है सेकंड वाला नाम मैंने सुना है फवाद चौधरी का नाम सुना है ठीक है फर्स्ट वाला कौन सी पार्टी का है पीटीआई के पीटीआई से अच्छा दोनों ही एक ही पार्टी हाँ हाँ सारे पीटीआई हैं आजकल चलिए फिर जिसको मैंने सुना है उसका नाम ठीक है वो फवाद चौधरी क्योंकि वो चौधरी मैं भी चौधरी इसलिए और वो चौधरी मैं भी चौधरी इसलिए मोटरवे पे आप जा रही हैं स्पोर्ट्स कार है आपके पास साथ में एक सीट खाली है कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं किनको आप लिफ्ट देना चाहेंगी ठीक है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी जनाब रफीक तारड़ साहब और जनाब ममनून हुसैन अब मुझे पता नहीं है इनमें से अच्छा कौन है ये तो हमें भी नहीं पता
और तीनों की एक ही पार्टी तीनों की एक ही पार्टी ये फैशन डिजाइनर नहीं मैं कंफ्यूज ना करो फैशन डिजाइनर नहीं आप सही साहब चुप रहेंगे देखिए आप खातून ने गिला किया कि आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं उनको आप देखिएगा भी जी मैं आपके लिए और ऑप्शंस कम करता हूं आपके पास जो ऑप्शंस हैं सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं आपके लिए वो हैं आरिफ अलवी और ममनून हुसैन दोनों की एक ही पार्टी है जी दोनों की एक ही पार्टी आप समझ लीजिए नहीं बताए ना नून लीग है या पीटीआई क्योंकि मैं तो नून लीग को सेलेक्ट करूंगी आप तो नून लीग को सेलेक्ट करेंगी अच्छा मजे की बात है ये जो साहब हैं ये जिस पोस्ट पे थे वहाँ पार्टी नहीं होती आइडिया कोई आपको इनका नाम कभी सुना हो आपने शायद मैंने सुना है दूसरे वाले बंदे का नाम दूसरे वाले बंदे का कौन से वाले बंदे का नाम ममनून हुसैन हाँ ममनून हुसैन साहब का नाम सुना हुआ कहाँ सुना हुआ कोई याद पड़ा किधर एक तो बहुत मुश्किल सवाल होता है ये वाला ना मुझे क्रिकेट देखती हैं आप हाँ। तो आपको पता कहीं आपने देखा था इनको अच्छा ये क्रिकेटर हैं हाँ जी इसलिए पुछकुल होते होंगे अच्छा मुझे आइडिया नहीं था आप याद आ गया अच्छा शायद ममनून हुसैन का नाम सुना है ममनून हुसैन साहब को देखा हुआ आपने ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते थे ये बैटिंग अच्छी करते थे बॉलिंग एक ही मैच देखती हूँ जो ज्यादा इंटरेस्ट लेके देखती हूँ वो जब मैच होता था पाकिस्तान इंडिया का हाँ। उसके अलावा जो पाकिस्तान में मैच होते हैं सच मैं देखती नहीं हूँ देखती नहीं है तो इसलिए आप इनको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा हुआ जो अच्छा क्रिकेटर ये वाला है ममनून तो बस फिर फाइनल करें ना कौन सा वाला नाम ममनून हुसैन साहब को फाइनल कर दे बस ठीक है ममनून हुसैन साहब को मिल गई भी है और उनको स्टेडियम तक छोड़ूंगी उनको स्टेडियम तक छोड़ना चाहती है ठीक है जहाँ पे उम्मीद करते हैं कि अगले किसी मैच के अंदर हमें वो बाबर आजम के साथ ओपन करते हुए भी नजर आए इंजीनियर फहीम सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो मरियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों बहुत सर आ जाएं फिर